हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हेलो 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 पूर्णिमा, हेलो ब्यूटी, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। यस, एनिमल किंगडम पर हम बेस्ट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे। काफी बेहतरीन यहाँ पर तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स है एनिमल किंगडम के, जिन्हें को हम काफी अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बात बता दो, वॉइस और वीडियो के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले बात, क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना, इस बात का जवाब दिया जाए भाई। क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बात बताई जाए। एनिमल किंगडम, यस, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम। इसको सर हम बिल्कुल रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही शानदार से हमारे यहाँ पर परफेक्ट से हैंड रिटन नोट्स हैं। तो सबसे पहले यही बात बता दी जाए मुझे, वॉइस और वीडियो के बारे में क्लियर या नॉट क्लियर? सर क्लियर है, क्लियर है वॉइस और वीडियो? यस क्लियर है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ, वो क्या है। ये मेरी प्रोफाइल एन अकेडमी पर, यहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम डेली काफी बेहतरीन बेहतरीन क्लासे करते हैं। ओके, काफी बेहतरीन बेहतरीन क्लास होती है हमारे यहाँ पर, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। हेलो पूर्णिमा, ब्यूटी, खुशी, श्रद्धांजलि, कवि, यस सर। जैसे कि कल सुबह ग्यारह बजे हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर सर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का डीपीपी सोल्व करेंगे, पीवाई भी सोल्व करेंगे पूरे। ओके सर, फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद फीचर्स देख लो अकेडमी के, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बेस्ट कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिलेगा तुम्हें पीडीएफ की फॉर्मेट में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो प्लान है, प्लस और आइकोनिक। प्लस में देखो तुम, हेलो शिवदीप, हेलो श्रद्धांजलि, पूर्णिमा, कवि। प्लस और आइकोनिक में कॉमन क्या है? सर इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट और क्विज। आइकोनिक में क्या अलग है सर? हमारा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर इनरोल किया जा सकता है सर। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मैनेज गोल में, नीट यूजी पर जाकर तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। विकास जाएंगे लाइव कोड यूज करोगे तो तुम्हें यहाँ पर 10% का ऑफ मिलेगा। ओके चलो भाई, जल्दी से स्टार्ट करें चैप्टर को, एनिमल किंगडम को। जो हमारा मेन मोटिव है, क्या है सर मेन मोटिव हमारा? एनिमल किंगडम चैप्टर, जो कि काफी बेहतरीन है। क्या तुम सब लोग ये नोट्स देख पा रहे हो? एनिमल किंगडम, क्या तुम्हें ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो में जवाब दिया जाए। क्या ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है सर? हेलो शिवदीप, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या तुम्हें ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो अपने फोन का रिजोल्यूशन बढ़ा लो। यहाँ पर हम एनिमल किंगडम को काफी बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने वाले हैं सर। एनिमल किंगडम काफी अच्छा चैप्टर है हमारा। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे इंपोर्टेंट नोट्स बना के ले आया हूँ, सारी एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट लाइंस। यस, एनसीईआरटी की सारी इंपोर्टेंट लाइंस है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर दिख रहा है सबको? यस ना, क्लियर दिख रहा है सर? ओके करें स्टार्ट फिर, क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? ओके भाई, करते हैं स्टार्ट जल्दी से। एनिमल्स को सर पहले हमने क्लासीफाई किस किस बेस पे किया है वो बात की गई है। किस किस बेस पे क्लासीफाई किया हमने एनिमल्स को? अरेंजमेंट ऑफ द सेल, ओके अरेंजमेंट ऑफ द सेल सर। उसके बाद बॉडी सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ द सेल में सर हमने सेलुलर कर दिया। उसके बाद टिश्यू लेवल, उसके बाद सर ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा सर प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ सेलुलर हो गया, पॉलीफेरा हमारा सेलुलर हो गया, उसके बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हमारा क्या हो गया? टिश्यू लेवल हो गया। प्लेटी एलमंतीज हमारा क्या हो गया? ऑर्गन। उसके बाद एसके एलमंतीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइंडरमेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा हमारा क्या हो गया सर? ऑर्गन सिस्टम हो गए। उसके बाद सिमेट्री पर, सिमेट्री पर हमने कैसे डिवाइड किया सर? रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल, तो क्या आंसर करोगे तुम? चलो भाई इंटरेक्टिव स्टडी करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल सर, तो क्या आंसर करोगे? दो ही फाइल हम तुम्हें याद रखने हैं रेडियल सिमेट्री में। कमेंट करते रहोगे साथ साथ, हम ऐसी पढ़ाई करेंगे साथ में मिलकर, ओके, कि हमें यहीं पर सारी चीजें याद हो जाएं। बताओ जल्दी से, एमसीक्यू तुम्हारा कल होगा? आज एमसीक्यू नहीं होगा, कल एमसीक्यू होगा। आज हम यहाँ पर एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं सर। क्लास 11th, 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी बताओ रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ मिलेगी सर हमारी? जल्दी से बताया जाए मुझे बात फटाफट से। दो जगह मिलती है, कहाँ कहाँ? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में। उसके अलावा एक और है सर, एक और क्या है? एक हमारे इकाइनोडर्मेटा हो गया, दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा बताओ जल्दी से, वेरी वेरी गुड ब्यूटी, दूसरा भी बताया जाए मुझे जल्दी से भाई। एक हमने कर लिया है क्या? एक हमारा हो गया है क्या सर? वेरी गुड,
टीनोफोरा, ओके भाई टीनोफोरा, टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेकिया, टीनोफोरा, ओके भाई ये हमारे क्या हो गए सर, दोनों की सर हमारी क्या होती है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है, उसके बाद बाइलेटरल मोस्ट ऑफ दी में होगी, और हमारा जो पोरीफेरा होता है ये क्या होता है हमारा असिमेट्रिकल होता है, ओके पोरीफेरा हमारा असिमेट्रिकल होता है। उसके बाद सर सीलोम, सीलोम से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या पूछा जाएगा सीलोम से वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्या पूछा जा सकता है सर सीलोम से। सबसे पहले तुमसे पूछेंगे असिलोमेट, जो क्वेश्चन तुम्हारा बार बार आया है असिलोमेट सर, असिलोमेट कौन होते हैं, उसके बाद तुमसे पूछेंगे स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं, उसके बाद सर हमारे सीलोमेट कौन होते हैं, ये बातें पूछी जाती है, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट कर करके साथ साथ बताते जाओगे। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है ना कि हमने एनिमल को क्लासिफाई किया, तो कैसे क्लासिफाई किया, हम हर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। असिलोमेट का एग्जाम्पल तुम्हारे पीवाईक्यू में काफी बार आया है, तुम लोग गलती से यहाँ पर उसको स्यूडोसिलोमेट मान लेते हो, जल्दी बताओ कल तुम्हारे प्लांट एनाटोमी का एमसीक्यू होगा, कल सर हमारे प्लांट एनाटोमी के होंगे एमसीक्यू, पहले मुझे इसके बारे में तो बता दो जल्दी से। असिलोमेट, असिलोमेट वेरी गुड ब्यूटी, प्लेटी एलमंथीज, कंचन सही करो अपना आंसर, प्लेटी एलमंथीज हमारा क्या होता है, प्लेटी एलमंथीज हमारा होता है सर असिलोमेट। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट हमारा क्या होता है, एसके एलमंथीज, और सिलोमेट में सर हमारे पूरे आ गए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ओके ये सारे हमारे किस में आ गए सर, सारे हमारे आ गए किस में, ये सारे के सारे हमारे आ गए सिलोमेट में, उसमें से भी हमारे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का क्या होंगे, ये हमारे सर साइजोसिलोमेट होते हैं, और सर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा हमारे क्या होते हैं सर, एंटेरोसिलोमेट होते हैं, ओके। तो ये एग्जाम्पल हमें काफी अच्छे से याद रहनी चाहिए सर, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट के एग्जाम्पल, अल्ट्रा अल्ट्रा इंपोर्टेंट है, इनका इंपोर्टेंस लेवल सर अलग ही है। यस ब्यूटी बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। उसके बाद पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव फेज, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारा कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो तुम्हारा हार्ट तो होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट तो होता है भाई, क्या करेगा तुम्हारा ब्लड को पंप करेगा, तो यहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है क्लोज की तरह, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा ब्लड हार्ट ने पंप किया, वो क्या करेगा तुम्हारा ओपन स्पेस में चला जाता है ब्लड, और वहां पर हमारे सेल और टिश्यू सर डायरेक्टली उसमें बात करेंगे, और वहीं से डायरेक्टली क्या करते हैं अपना अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर देखो हार्ट तो ही हार्ट अपना ब्लड पंप करेगा, लेकिन वो ब्लड सर टिश्यू तक किससे जाएगा, टिश्यू तक तुम्हारा वो सर आर्टरीज कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, फिर वेन्यूल्स बनेंगे, वेन बनेंगे, उससे वापस आएगा। ओपन और क्लोज इनके एग्जाम्पल तुम्हें काफी अच्छे से याद रखने हैं, जल्दी मुझे बता सकते हो तुम एग्जाम्पल क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल क्या तुम मुझे बता सकते हो, जल्दी बताओ फिर ओपन के और क्लोज के सर, ये जगह हम खाली करते रहते हैं, यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी जहां से हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा ज्यादा रहती है सर, जल्दी बताओ भाई ओपन के एग्जाम्पल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल बताओ जल्दी से मुझे ओपन के, उसके बाद हम देखेंगे क्लोज के, पहले ओपन के बता दो जल्दी कमेंट करो ब्यूटी कंचन, जल्दी से करो सब कमेंट सर यहाँ पर फटाफट से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल क्या जाएंगे, क्या जाने चाहिए सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल, जल्दी से बता दो भाई, ओके बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो ओपन सर्कुलेटरी के, एक तो तुम्हें याद रहना चाहिए यहां पर क्या, इंसेक्ट में कॉकरोच, कॉकरोच तो तुम्हें याद रहना चाहिए सर, इंसेक्ट तुम्हें याद रहना चाहिए, और मोलस्का, मोलस्का हमारा क्या हो गया ओपन, और सर हेमिकोडेटा, क्या हेमिकोडेटा भी हमारा ओपन ही होता है, हाँ या ना, हाँ या ना सर, क्या हेमिकोडेटा भी हमारा ओपन ही होता है, यस और नो में इस बात का दिया जाए जवाब भाई, हेमिकोडेटा क्या होता है ओपन या क्लोज, हेमिकोडेटा मोलस्का, ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट हमारे ओपन ही होते हैं सर, क्लोज का बताओ चलो, क्लोज का ये इंपॉर्टेंट, क्लोज में तुम्हें क्या पता है, एक तो वर्टिब्रेट हो गए, वर्टिब्रेट क्या पूरे कोडेट ही मान लेते हैं, इसमें सारे कोडेट हमारे क्या होते हैं ओपन ही होते, क्लोज होते हैं, एक तो कोडेट हो गए हमारे, दूसरा क्या बताना पसंद करोगे यहाँ पर, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, शानदार सा, बहुत ही ज्यादा शानदार सा एग्जाम्पल है, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड तनु, एवियन मेंबर्स पूर्णिमा, पूरे कोडेट में तुम्हारा लगभग क्लोज ही होता है, कुछ एक्सेप्शन होंगे, उसके अलावा सर
मुझे बताओ इनवर्टिब्रेट में, नॉन कोर्डेट में, नॉन कोर्डेट में कौन सा हमारा सर क्लोज होता है, एक एग्जांपल बताना है। हेमिकोर्डेटा में ओपन होता है, यस हेमिकोर्डेटा में भी ओपन ही होता है, यही मैंने बताया तुम लोगों को। जल्दी से यहाँ पर ये भी बता दो मुझे फटाफट से, क्या बताओगे? क्या मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे, एनालिडा, एनालिडा में क्या होता है सर हमारा, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में, एनालिडा में हमारा क्या होता है सर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बात अल्ट्रा इंपोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे रेड कलर से सितारे बना देता हूँ। एनालिडा में हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या ये बात तुम सबको याद रहेगी? हाँ या ना? हाँ या ना सर, रहेगी याद। उसके बाद देखते हैं द एनिमल, जो एनिमल होते हैं उनमें सर अगर दो एम्ब्रियोनिक लेयर है, अगर दो एम्ब्रियोनिक लेयर है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, अगर दो ही लेयर है तो इनको बोलेंगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है इसके, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया, पोरीफेरा और निडेरिया इसके एग्जाम्पल है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में किस चीज को तुम काफी ज्यादा अच्छे से याद रखोगे, एनेलिडा को सर, एनेलिडा को काफी ज्यादा अच्छे से याद रखा जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म होगी और सर क्या होगी तुम्हारी, एंडोडर्म होगी। बीच में यहाँ पर मीजोडर्म तो नहीं होती है, लेकिन क्या होती है बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में सर यहाँ पर हमारे, मीजोडर्म तो नहीं होती है, लेकिन क्या होती है तुम्हारी, अनडिफरेंशिएट मास ऑफ द सेल, अनडिफरेंशिएट मास ऑफ द सेल, जिसे बोला जाता है मीजोग्लिया। अब तुम्हारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मीजोग्लिया किस किस में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर क्या दिमाग लगाओगे सर, मीजोग्लिया हमारी कहाँ पर होगी, जहां पर हमारा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है हमारे, पोरीफेरा और पोरीफेरा एंड निडेरिया हमारे क्या है सर यहाँ पर, डिप्लोब्लास्टिक है। वेरी गुड ब्यूटी कंचन, वेरी गुड कंचन मीना, काफी सही आंसर दिया आपने, मीजोग्लिया। इसके बाद सर जहां पर तुम्हारे क्या होंगे, जहां पर सर हमारी थर्ड जर्मिनल लेयर डेवलप हो गई है मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा, तो क्या हो गया सर, एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म, ये क्या हो गए, एक दो तीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के क्या एग्जांपल है हमारे, कोर्डेट्स, सारे कोर्डेट हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके अलावा प्लेटीअलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायरोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेट, ये सारे हमारे क्या होते हैं सर, सारे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। ये स्लाइड सबको समझ में आई है, ये वाली स्लाइड क्या सबको समझ में आई है, वेरी गुड तनु। या किसी को दिक्कत है इस वाली स्लाइड में, अगर हल्की सी भी दिक्कत हो तो बताया जाए मुझे, हल्की सी भी दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ भाई, हल्की सी भी दिक्कत होने पर बता दिया जाएगा क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें यहाँ पर इस वाली स्लाइड में। पूरे में जितनी बातें मैंने समझाई है क्या तुम्हें वो सारी समझ में आ रही है यहाँ पर, हाँ या ना में तो जवाब दो जल्दी से, हाँ या ना, दो वर्ड तो बोल सकते हो। एनिमल किंगडम को हम हैंडरिटन नोट्स की मदद से रिवाइज कर रहे हैं पूरा, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे सर। कहां पर मिलेंगे वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो अभी तुम चले जाओगे सब, फिर बोलोगे नोट्स तो ले लेंगे ना, सिंपल सी बात। सबको समझ में आई है वाली स्लाइड, किसी को दिक्कत इसमें कोई ना, दिक्कत नो, परेशानी नो, समस्या। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर नहीं है सर, स्लाइड नंबर टू, द बॉडी कैविटी। देखो जहां पर तुम्हारी बॉडी कैविटी अगर मीजोडर्म से लाइन है तो इसे क्या बोलते हैं, सीलोम, और जिनके पास सीलोम होती है उन्हें क्या बोलते हैं सर हम, सीलोमेट बोलते हैं। एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सारे हमारे क्या है सर, ये सारे हमारे सीलोमेट हैं, ओके। उसके बाद देखो कुछ एनिमल्स में क्या होता है हमारे, कुछ एनिमल में सर बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन तो नहीं होती है, लेकिन सर मीजोडर्म क्या होती है हमारी, स्केटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इन्हें बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, लेकिन हाँ सर ये हमारी काफी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बात है। तुम गलती क्या करते हो, तुम कॉमन सेंस लगाते हो कैसे, कि सर स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट पी, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोल देंगे इसका, पी से स्यूडोसिलोमेट, पी से प्लेटीअलमंथीज, ये गलत बात है, स्यूडोसिलोमेट तुम्हारे एस्केलमंथीज होते हैं। ये एग्जाम्पल तुम सबको याद रखना है, पीवाईक्यू में भाई तुम्हारे दो बार आया हुआ है, ये दो बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे नीट में आया हो या एम्स में आया हो, लेकिन हाँ आया हुआ है सर, ये शानदार सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो गलत करने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं बनता है। ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो फिर सर हमारी रैंक काफी पीछे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो इन्हें सही कर देते हैं ना,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो ऐसे क्वेश्चन को सही कर देते हैं, और अगर हम इन्हें गलत करते हैं तो हमारी रैंक काफी पीछे जाने की संभावना रहती है। तो गलती करनी नहीं है, गलती क्यों करें जब सही कर सकते हैं, तो गलती क्यों करें सर। इसके अलावा देखो, अगर तुम्हारी बॉडी कैविटी एब्सेंट हो, इन्हें बोलते हैं असीलोमेट। असीलोमेट का एग्जाम्पल प्लेटी एलमंथीज, तो ये दो एग्जाम्पल। स्यूडोसीलोमेट का क्या एसके एलमंथीज, और सर हमारा असीलोमेट का क्या प्लेटी एलमंथीज। हमें काफी ज्यादा अच्छे से MTR रहने चाहिए। MTR का मतलब क्या? MTR का मतलब सर मुझे तो रटो टाइप रहने चाहिए। शानदार से एग्जाम्पल, शानदार से आंसर सर। ओके, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। जितनी बातें मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, वहां पर सर हमारी हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हमें इसी बात पर ध्यान देते हुए बिल्कुल भी गलती करनी ही नहीं है सर, गलती करनी ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ू मैं। क्या तुम्हें एग्जाम्पल याद हो जाएंगे सभी ये स्यूडो सिलोमेट और असिलोमेट के? भरोसा दिलाओ मुझे, यस सर याद हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन तो हम गलत कर ही नहीं सकते हैं, गलत करना ही एक छोटा मोटा पाप हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, यस क्रिस्टल क्लियर। 3D बायोलॉजी फॉर नीट, ब्यूटी विश्वास, हेलो तनु, गुड। आगे बढ़े, उसके बाद देखते हैं सर, कुछ एनिमल में बॉडी क्या होती है सर? एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है विद सीरियल रिपीटेशन। इनको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो कहां पर सर हमारा सेगमेंटेशन होता है? पूरे पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ तीन जगह, पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ तीन जगह तुम्हें सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। एक तो यहां पर बताई दिया गया है क्या, एनेलिडा। एक तुम्हारा एनेलिडा हो गया सर। ओके, एक हमारा एनेलिडा हो गया, बाकी दो तुम बताओगे मुझे। एक एनेलिडा हो गया है, दूसरा क्या? दूसरा तुम ही कमेंट करोगे। पूरे एनिमल किंगडम में तीन ही जगह सर हमारे क्या होता है, सीरियल रिपीटेशन या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा क्या? हाँ, तनु अर्थवर्म हमारा एनेलिडा में आ गया। दूसरा बताओ, इसके अलावा दूसरा बताओ। तीन है ना, तीन है, बता सकते हो? तीन है, एक दो थोड़ी है, तीन है, बता तो सकते हैं सर। तो बता दो जल्दी से, किसका है तुम्हें इंतजार फिर यहां पर? किसका कर रहे हो तुम इंतजार, बता दो जल्दी से। और क्यों कर रहे हो इंतजार, किसका कर रहे हो इंतजार और क्यों कर रहे हो सर? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो भाई। एक एनालिडा हो गया, दूसरा क्या सर हमारा यहाँ पर? आर्थ्रोपोडा। तीसरा हमारा क्या सर यहाँ पर? कोडेटा। ओके, एनालिडा में सर तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलता है, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल, और कोडेटा हमारे पास क्या मिलता है? इंटरनल। जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम में होता है ना, सर्वाइकल का रिपीटेशन होगा 7 बार, उसके बाद थोरेक्स का, लंबर का, सेक्रल का, कोकाइक्स का, यस सर। तो इन्हीं को बोलते हैं सीरियल रिपीटेशन। कहाँ कहाँ होता है एनिमल किंगडम में? तीन जगह होगा। कहाँ कहाँ सर? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। अब एक बात मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, तुम्हें क्या लगता है मोलस्का, मोलस्का में क्या दे रखा होता है वहां पर? कि बॉडी डिवाइडेड इनटू दी विसरल हम्प, है ना, विसरल हम्प पे डिवाइडेड है बॉडी यहाँ पर तुम्हारी, मस्कुलर फूट। तो तुम्हें क्या लगता है कि मोलस्का भी सेगमेंटेड है? लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा मोलस्का है उसकी बॉडी क्या होती है यहाँ पर? अनसेगमेंटेड रहती है। जहां पर तुम गलती कर सकते हो उन बातों पर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? जहां पर सर हम गलती कर सकते हैं उन बातों पर किया जा रहा है फोकस। तो बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को कान लगाकर सुनना है, और कोशिश क्या करनी है, कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम चीजें तुम्हें यहीं पर याद हो जाएं। जब तुम दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो तो मैक्सिमम चीजें तुम्हें यहीं पर याद हो जाएं। यहाँ पर क्या गलती हो सकती थी हमसे कि मोलस्का की बॉडी को हम सेगमेंटेड बता सकते थे, जो कि सेगमेंटेड नहीं होती है। क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है। क्या रखोगे तुम याद ये बात? क्या तुम ये बात याद रखोगे? हाँ या ना सर? हाँ सर रखेंगे सर याद, वो भी काफी ज्यादा अच्छे से रखा जाएगा याद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके, सेगमेंटेशन पूरे एनिमल किंगडम में तीन जगह, एनालिडा एक्सटर्नल और इंटरनल, कोडेटा इंटरनल, और सर आर्थ्रोपोडा लाइक कॉकरोच, ये क्या होगा हमारा? एक्सटर्नल। इसके बाद हम चलो फाइलम की बातें करें, इंडिविजुअल फाइलम की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी सर? पोरीफेरा की। फालतू बातें डिस्कस करनी नहीं है, एक पेज के अंदर पूरा पोरीफेरा पढ़ लेंगे, और जो अल्ट्रा इंपोर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। फाइलम पोरीफेरा क्या कहना चाह रहा है हमसे ये फाइलम पोरीफेरा भाई, क्या कहना चाह रहे हो भाई फाइलम पोरीफेरा? देखते हैं यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा सर। सबसे पहले सिमेट्री देखी जाए यहाँ पर, तो सिमेट्री कैसी होती है इनकी सर?
फाइलम पोरीफेरा में सिमेट्री अगर देखी जाए यहाँ पर, तो ये हमारे क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, ना तो बायलेटरल है ना ही रेडियल है ना ही बायरेडियल है, क्या है हमारे ये असिमेट्रिकल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है यहाँ पर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन तुम्हारा किससे होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। ये फिर से हमारी अल्ट्रा इंपोर्टेंट बात, वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम कहाँ मिलता है, तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो इसमें, तुम लोग एक जगह कंफ्यूज होते हो कहाँ पर सर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम तुम्हारा पोरीफेरा मिलता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम सर हमारा इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। ये वाला कलर थोड़ा डार्क हो गया ना, हाँ सर ये वाला कलर डार्क हो गया, इसे हटा दीजिए, इस वाले कलर में सर अच्छा सा नहीं लग रहा है हमें। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम सर कहाँ मिल रहा है हमारा, ये वाटर ट्रांसपोर्ट कनाल ये मिल रहा है पोरीफेरा में, और वाटर वेस्कुलर कहाँ मिल रहा है, वाटर वेस्कुलर सर हमारा मिलता है कहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा में। तो कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है सारी बातें मैं लेकर चलूंगा, सारी बातें मैं यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। ओके सर नो दिक्कत नो परेशानी नो समस्या। इसके बाद देखो तुम यहाँ पर क्या होगा सर, तुम्हारा वाटर पानी सर हमारा ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है, स्पंज और सील में जाएगा, उसके बाद सर ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। पोरीफेरा का डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पर, एक मिनट इनको मिटा कर, ये जगह हमारी सर रफ वर्क करने के लिए नहीं है, इसके लिए है तुम्हें समझाने के लिए। वैसे मेरी डायग्रामेटिक स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे से समझा पाऊं पोरीफेरा, क्या पता है बना पाऊंगा या नहीं, कोशिश की है भाई। पोरीफेरा तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, ये ओस्टियां हैं, इनके थ्रू वाटर तुम्हारा अंदर जाएगा। ओके, इनके थ्रू क्या होगा हमारा, पानी अंदर जाएगा सर। ओके, और सर ये बाहर किसके थ्रू निकलेगा, बाहर निकलेगा सर हमारा ये किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू, ये ऑस्कुलम है, इसके थ्रू बाहर निकलेगा, ओस्टिया के थ्रू अंदर जा रहा है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल रहा है। जितना अच्छा मैं बना सकता था भाई मैंने पूरी कोशिश की, ठीक है, सही बना है क्या, सही बना है, हेलो तनु वेरी गुड, सही बना है। ओके ब्यूटी विश्वास, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर कनाल हमारा पोरीफेरा में, और सर वाटर वेस्कुलर अपनी एनसीईआरटी में, तुम्हारी एनसीईआरटी में जहां पोरीफेरा है वहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिखा रहना चाहिए कि भाई वाटर वेस्कुलर तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा मिलता है, और जहां तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा है वहां पर तुम्हारा सर वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम लिखा रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि तुम्हें रिमाइंड होती रही चीजें। ओके ब्यूटी तनु खुशी गुप्ता, यस सर। इसके बाद यहाँ का स्केलेटन हमारा किससे मिलकर बना होता है, स्पेक्यूल से। ये तुम्हारे क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेम में रहेंगे, हर्मोफ्रोडाइट सर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा रिप्रोडक्शन देखो, अगर असेक्सुअल होगा तो ये किसके थ्रू होगा, तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एग्जाम्पल रट लेते हैं यहीं पर, सारे एग्जाम्पल को हम यहीं पर रट लेते हैं। एक तुम्हारा क्या हो गया, साइकोन को बोलते हैं स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, और सर हमारा यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, तीनों एग्जाम्पल हम यहीं रटेंगे, अभी रटेंगे सर। स्काइफा, साइकोन, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला तुम्हारा काफी बार पूछा गया है, एक बार पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर स्पंज, तो कौन है हमारा, वो हमारा है स्पॉन्जिला। क्लियर भाई, फाइलम पोरीफेरा सबको क्लियर, हाँ या ना। स्पॉन्जिन फाइबर भी होते हैं, और मैन स्केलेटन तुम्हारा स्पेक्यूल्स का बना होगा, यहाँ पर हम मैन बातें कर रहे हैं सारी, मैन स्केलेटन हमारा सर किसका बना होगा, स्पेक्यूल का बना होगा। क्लियर सबको, ये किसी को दिक्कत इसमें, परेशानी समस्या, नो या यस। जल्दी से बता दो भाई फटाफट से। ओके सर क्या जाएगा इसका आंसर, करो भाई आंसर, स्केलेटल मेड ऑफ स्पेक्यूल, हर्मोफ्रोडाइट, साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। किसी को दिक्कत परेशानी समस्या, नो दिक्कत नो परेशानी नो समस्या, आगे बढ़े। क्लियर क्रिस्टल क्लियर, यस। इसके बाद हम आते हैं किस पर, सिलेंट्रेटा पर। फाइलम सिलेंट्रेटा हमारा क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर देखो मोस्टली क्या होते हैं तुम्हारे, ये मराइन होते हैं मोस्टली,
सिमेट्री यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है सिलेंट्रेटा की, सिमेट्री क्या होगी तुम्हारी यहाँ पर रेडियल होगी सर, सिलेंट्रेटा तीनों फोरा इकाइनोइड मेटा, सिलेंट्रेटा तीनों फोरा इकाइनोइड मेटा तीनों जगह हमारी क्या होती है सर यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है विद स्टिंगिंग सेल। यहाँ का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेटा में सर हमारी स्टिंगिंग सेल होती है जिसे क्या बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल को बोला जाता है यहाँ पर क्या नीडोब्लास्ट बोला जाता है सर। इसके बाद देखो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलेंट्रेटा में भी डिप्लो होगा टीनोफोरा में भी डिप्लो होगा। दो टाइप की यहाँ पर तुम्हारी बॉडी दिखती है, एक तुम्हारी पॉलीप और मेडूसा इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर देखो तुम्हारा कुछ निडेरिया में लाइक ओबेलिया, ओबेलिया में क्या होगा तुम्हारा अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन होता है, इसका मतलब क्या पॉलीप से मेडूसा बनता है और मेडूसा से पॉलीप बनता है, ठीक है पॉलीप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलीप इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ध्यान देने लायक बात क्या है, ध्यान देने लायक बात है क्या भाई पॉलीप से मेडूसा कैसे बनेगा सेक्सुअली या असेक्सुअली, पॉलीप से मेडूसा हमारा यहां पर असेक्सुअली बनता है। और सर मेडूसा से पॉलीप हमारा कैसे बनता है सेक्सुअली बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है तुम्हारा मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस बोला जाएगा इस प्रोसेस को। और सर ये किसमें मिलता है तुम्हारे ओवेलिया में मिलता है, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा पॉलिप वाला फॉर्म भी होगा और हमारा सर मेडूसा वाला फॉर्म भी होगा, पॉलिप से मेडूसा असेक्सुअली, मेडूसा से पॉलिप सेक्सुअली, ये सारी बातें याद रहेंगी, याद रहेंगी सर, याद रहेंगी सर। ओके इसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सारे ही जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी साबित होने वाले हैं। एग्जाम्पल सर पहला क्या है हमारा हाइड्रा, उसके बाद सर हमारा ओरेलिया, ओरेलिया का दूसरा नाम क्या जेली फिश, एडमेसिया सी एनिमोन, पेनेटुला पेन पकड़ो यहाँ पर सी पेन, गोरगोनिया सी फैन, मैंड्रियाना ब्रेन कोरल, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ दी वॉर, सारे एग्जाम्पल तुम्हारे अल्ट्रा इंपोर्टेंट है। बहुत बार यहां से तुम्हारे मेस द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मेस द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आने की यहां से तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बनती है। यस किस टाइप का क्वेश्चन आने की सर मेस द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन तुम्हारा यहां से पूछा जा सकता है, मेस द फॉलोइंग सर मैचिंग वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, वो तुम्हें गोर चार दे देंगे, एडमेसिया दे दिया, पेनेटुला दे दिया, गोरगोनिया दे दिया, फाइसेलिया दे दिया, फिर उनके कॉमन नाम दे देंगे तो कैसे याद रखेंगे ओरेलिया जेलीफिश, एडमेसिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, अगर तुम मेरे साथ साथ बोलोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा, हाइड्रा हाइड्रा हो गया, ओरेलिया जेलीफिश, एडमेसिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोरगोनिया सी फैन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, फाइसेरिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, रहेगा याद ये, ओके सर रहेगा याद ये हमें अच्छे से रहेगा सर ये याद, क्लियर भाई सबको क्लियर, फाइलम टीनोफोरा, क्या फाइलम टीनोफोरा तुम सबको काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब तो दो जल्दी से, हाँ या ना सर, क्लियर या नॉट क्लियर, क्लियर या नॉट क्लियर सर, वेरी गुड क्लियर, वेरी गुड तनु तनु ब्यूटी वेरी गुड। इसके बाद हम आते हैं सर थर्ड फाइलम पर, क्या किसका नंबर आएगा इसके बाद नाम बताओ, सारे फाइलम तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटियलमंती जेस्केलमंती जेनालिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा कोडेटा, सारे फाइलम तुम्हारे टिप्स पर रहने चाहिए। सिलेंट्रेटा के बाद किसका नंबर आएगा, सिलेंट्रेटा के बाद किसका नंबर आने वाला है सर हमारा, मेरा या तुम्हारा, हम अलग फाइलम है क्या, नो 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 नो, किसका नंबर जल्दी करो कमेंट यार, जल्दी से थोड़ा एक्टिव रहा करो क्लास में, जल्दी से करो कमेंट, जल्दी से कर देंगे सर कमेंट, जल्दी से करो भाई फटाफट से, ओके सर कर तो देंगे कमेंट, किसका नंबर आएगा यहाँ पर, टीनोफोरा का नंबर आएगा, ओके भाई टीनोफोरा का नंबर आएगा यहाँ पर, टीनोफोरा देखो यहाँ पर तुम्हारे क्या होते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है कि विच फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मराइन, मोस्ट ऑफ द फाइलम तुम्हारे सर मराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है मोस्ट ऑफ द फाइलम हमारे सर मराइन भी होते हैं फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन टीनोफोरा, टीनोफोरा की खास बात क्या, टीनोफोरा की खास बात एक ही है सर, क्या खास बात है इसकी कि ये तुम्हारा एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। ओके यहां पर तुम्हारे हर लाइन से क्वेश्चन तो पूछा ही गया है,
टीनोफोरा में। तो देखते हैं यहाँ पर सर इनको सी वॉलनट बोला जाता है, कॉम जेलीज बोला जाता है, क्यों सर यहाँ पर तुम्हारी आठ सीलियरी कॉम्प्लेट होती है, आठ सीलियरी कॉम्प्लेट होती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो तुम्हारा सर लोकोमोशन में मदद करेगा। ये तुम्हारे बायोलुमिनिसेंस दिखाते हैं, चमकते रहते हैं, बायोलुमिनिसेंस दिखाते हैं। और सर ये तुम्हारे हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट तुम्हारा इनडायरेक्ट होगा। इतनी बातें याद रखो। मेन क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा तुम्हारा, दो पॉइंट मेन है, कौन कौन से, एक तुम्हारा एक्सक्लूसिवली मराइन, दूसरा तुम्हारा सर बायोलुमिनिसेंस, दो क्वेश्चन मेन है, वो तुम्हारे यहाँ से दो ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सिर्फ ये दो। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल पर, इसके एग्जाम्पल रट लेते हैं इसके, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया दो एग्जाम्पल है, एड सीलरी कॉम्प्लेट रट लेते हैं इन्हें। इसके बाद हम आएंगे किस पर सर, प्लेटियल मंथीज पर, प्लेटियल मंथीज को बोलते हैं हम क्या, फ्लैट वर्म, इनको फ्लैट वर्म क्यों बोला जाता है, प्लेटियल मंथीज को फ्लैट वर्म बोलने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है। यस सर, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है तुम्हारी वो क्या होती है, डोर्सो वेंट्रली क्या होगी इनकी बॉडी सर, हमारी डोर्सो वेंट्रली क्या होगी, फ्लैट होती है, ऐसे होते हैं चिपके हुए, डोर्सो वेंट्रली चिपके हुए होते हैं, इसलिए सर इनको फ्लैट वर्म बोला जाता है, फ्लैट वर्म इसीलिए बोला जाता है, बिना सोचे समझे नाम नहीं दिए जाते हैं, फ्लैट बॉडी कैसे सर, डोर्सो वेंट्रली तुम्हारी इनकी क्या होती है, फ्लैट बॉडी होती है सर। उसके बाद देखो तुम्हारी ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अल्ट्रा इंपोर्टेंट बात जो मैं तुम्हें काफी देर से बता रहा हूं, ये तुम्हारे एसिलोमेट होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस ऑर्गन लेवल होगा यहाँ पर, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर नहीं आया है अभी, यहाँ पर हमारा क्या है, ऑर्गन लेवल ही है। यहाँ पर देखो तुम्हारे जो पैरासाइटिक फॉर्म है लाइक टीनिया, जो तुम्हारे एंडो पैरासाइट होते हैं टीनिया सर, इनमें क्या होगा तुम्हारे हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो फ्लेम सेल तुम्हारी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। पहली बार, फर्स्ट टाइम तुम्हारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहां पर आई थी, फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तुम्हारी कहां आई थी सर, हमारी फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारी सर प्लेटियल मंथीज में आई थी, फ्लेम सेल की फॉर्म में, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद यहां पर देखो फर्टिलाइजेशन तुम्हारा इंटरनल हुआ, डेवलपमेंट तुम्हारा इनडायरेक्ट हुआ, हर्मोफ्रोडाइट होंगे तुम्हारे, ये एग्जांपल देखो, टीनिया को बोलते हैं टेप वर्म, फेसिकुला को बोलते हैं, फेसियोला को बोलते हैं लिवर फ्लूक, और प्लेनेरिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर प्लेनेरिया में क्या मिलता है तुम्हारा, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मिलेगी कहां पर सर, हमारी प्लेनेरिया में, ओके भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना, आज के लिए इतना ही काफी है सर, कल हम यहाँ पर एसक्यूएल मंथ 30 से करेंगे शुरुआत, और ये नोट्स तुम्हें कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरा, क्या सर्च करोगे टेलीग्राम पर, VIKSJANGIR 306, ओके VIKSJANGIR 306, ये टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अनअकैडमी पर भी हम काफी अच्छी अच्छी क्लास लेते हैं, तो वहां पर भी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो कल सुबह 11 बजे सर, कितने बजे, कल सुबह 11 बजे तुम्हारी वहां पर एंडोक्राइन सिस्टम पर हम PYQ डिस्कस करने वाले हैं, मेरी अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट PYQ सोल्व करने वाले हैं। तो चलो फिर बाय एवरीवन, जाते जाते क्या करोगे, वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, ओके वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, और हाँ कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो शेयर करते हुए जाना ही है। चलो फिर बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एंडोक्राइन सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।